गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी के अंदर जुलाई 2019 में जो हम लोगों को रिटर्न फाइल करना है उसकी इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स कौन कौन सी है, किस किस दिन कौन सी रिटर्न फाइल करनी है और क्या लास्ट डेट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जुलाई 2019 से रिलेटेड हर एक डेट के बारे में अच्छे से पता लग सके, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट मंथ है ये और काफी सारी रिटर्न फाइलिंग जो है वो हम लोगों को इस महीने जो है जीएसटी के अंदर करनी है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी डेट्स कैलेंडर फॉर जुलाई 2019। या फ्रेंड्स, जुलाई 2019 के लिए जो भी ड्यू डेट्स हैं जीएसटी के अंदर, सारी चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डेट जो निकल के आ रहा है वो है 10 जुलाई 2019, मतलब कि आज का डेट। आज किस चीज की ड्यू डेट है, आज तक आपको कौन सी रिटर्न फाइल कर देनी है, नहीं तो आपका लेट फी जो है वो लागू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको 10 जुलाई तक जो फाइल करना है वो फाइल करना है GSTR 8 फॉर TCS फाइलर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। या फ्रेंड्स, अगर आप GSTR 8 फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं या लाइबल हैं, मतलब कि अगर आपने TCS कलेक्ट किया है किसी भी सप्लायर का, अगर आप TCS जमा करने के लिए लाइबल होते हैं तो उस TCS का डिटेल्स आपको अपनी GSTR 8 में भरना होता है। तो जून 2019 की जो GSTR 8 जानी है, मतलब जून महीने में जितना भी आपने TCS कलेक्ट किया होगा उस TCS को जमा करवाने का और उसको GSTR 8 में फाइल करने का जो ड्यू डेट है वो 10 जुलाई 2019 है, क्योंकि यह मंथली रिटर्न होती है और आपके TCS की GSTR 8 के बेसिस पे आपका जो सप्लायर है जिसने आपका TCS काटा हुआ है वो अपना क्रेडिट ले पाएगा अगर वो GSTR 3 भी फाइल कर रहा है। तो अगर आप अपना GSTR 8 नहीं लगाएंगे तो आपका जो अमाउंट है वो उसके क्रेडिट के अंदर शो नहीं होगा और उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश लेजर। पहला डेट हो गया 10 जुलाई 2019 GSTR 8 फॉर TCS फाइलर्स फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये आती है लोगों को कि GSTR 8 की डेट है 10 जुलाई जबकि GSTR 7 की डेट क्या है। तो GSTR 7 के लिए जो अभी नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया था अक्टूबर 2018 से लेके जुलाई 2019 तक का जो भी GSTR 7 जाना है सबकी डेट को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 31st August 2019। तो GSTR 7 के लिए जून महीने की हो या जुलाई महीने की हो आपको 31 अगस्त 2019 तक फाइल करना है। TDS के लिए अभी जून महीने का रिटर्न 10 जुलाई तक डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि GSTR 8 को कोई ऐसा एक्सटेंशन नहीं दिया गया। तो इस चीज को लेकर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि GSTR 7 का डेट एक्सटेंड हो गया है इसीलिए GSTR 8 भी एक्सटेंड कर दिया गया होगा, जी नहीं। अगला जो डेट निकल के आता है वो 11 जुलाई 2019 का डेट है। इसके अंदर आपको कौन से काम करने हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए अच्छी तरीके से। GSTR 1 फॉर मंथली पर्संस हैविंग टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ और ऑप्टेड फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ GSTR 1। कहने का मतलब है कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हैं और एज अ रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हैं तो आपको दो कंडीशंस में GSTR 1 मंथली फाइल करना होता है। पहला, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है तो आप मैंडेटरी फाइल करेंगे GSTR 1 मंथली। अगर आपका 1.5 करोड़ से कम है और आपने सो मोटो ये सिलेक्ट किया हुआ है कि हमें मंथली फाइलिंग के अंदर जाना है तब भी आप GSTR 1 जो है मंथली फाइलिंग करेंगे। तो जून 2019 की जो GSTR 1 जानी है उसकी लास्ट डेट है 11 जुलाई 2019 यानी कि कल। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अगर 18-19 का कोई आपको अमेंडमेंट करना है तो आप अपनी जून 2019 की रिटर्न के अंदर फाइलिंग कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं 11 जुलाई 2019 की जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट तक। अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले महीने भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं जून 2019 में अमेंड करना तो आप 18-19 की इनवॉइसेस को अमेंड कर सकते हैं। तो दूसरा ड्यू डेट हो गया 11 जुलाई GSTR 1 फॉर मंथली फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगला जो ड्यू डेट निकल के आता है वो है 13 जुलाई 2019। अभी हमने दो डिस्कस कर लिया है 10 जुलाई और 11 जुलाई, अब नेक्स्ट निकल के आ रहा है कि 13 जुलाई 2019। इस डेट तक आप लोगों को GSTR 6 फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फॉर द मंथ ऑफ जून 2019,
जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको अपना जीएसटीआर 6 फाइल करना है और जो भी इनपुट सर्विस का जो क्रेडिट है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने सप्लायर्स को, तो वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके लिए जो रिटर्न फाइल करना होता है जीएसटीआर 6 वो आपको फाइल कर देना है 13 जुलाई 2019 तक फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। जून 2019 में जितना भी इनपुट सर्विस आपके पास एक्यूमुलेट हुआ है एज अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वो आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तभी आपका जो रेसिपिएंट एंड है वो क्रेडिट ले पाएगा एट द फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3 भी, जो कि ड्यू डेट उसकी 20 जुलाई होनी है जून 2019। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि जून 2019 तक का जो भी रिटर्न आपको फाइल करना है आईएसडी के कैटेगरी के अंदर वो 13 जुलाई तक फाइल कर देना है ताकि सामने वाले का क्रेडिट नहीं खत्म हो। अगला जो डेट निकल के आता है 18 जुलाई 2019, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि काफी ज्यादा डिस्प्यूटेड, काफी ज्यादा ये डिस्कस टॉपिक अभी बना हुआ है। ये है CMP 08 फॉर द कॉम्पोजिशन डीलर्स फॉर अप्रैल टू जून 2019। यहाँ फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है एज अ कॉम्पोजिट टैक्स पेयर, तो आपको पहले जीएसटीआर 4 क्वार्टरली फाइल करना होता था। अब जिस जीएसटीआर 4 को क्वार्टरली नहीं फाइल करना है उसको एनुअली कर दिया गया है, लेकिन जीएसटीआर 4 की जगह पर नया फॉर्म लाया गया, फॉर्म जीएसटी CMP 08। CMP 08 को फाइलिंग करने का डेट 18 तारीख है, जो कि हुआ करता था जीएसटीआर 4 का। तो अप्रैल से लेके जून 2019 क्वार्टर का जो जीएसटी CMP 08 है वो आपको भर देना है 18 जुलाई 2019 तक, और आपका जो टैक्स बनता है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के अंदर वो जमा कर देना है। हालांकि ये फॉर्म अभी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन जल्दी इसको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, तब आप अपनी फाइलिंग जो है CMP 08 के अंदर कर सकते हैं। ये हो गया 18 जुलाई का ड्यू डेट। उसके बाद जो ड्यू डेट निकल के आता है 20 जुलाई 2019, जिसमें काफी सारी चीजें जो है हम लोगों को करनी है। सबसे पहला है और सबसे इम्पोर्टेंट है जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। या फ्रेंड्स, अगर आप जीएसटी के अंदर एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर रेगुलर के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है जून 2019 महीने का। चाहे आप स्मॉल टैक्स पेयर हैं, चाहे आप लार्ज टैक्स पेयर हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपना जीएसटीआर 3B जून 2019 तक 20 जुलाई तक फाइल कर देना है फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। और जब आप ये रिटर्न फाइल करें उससे पहले जीएसटीआर 3B जो 3B के अंदर जो बड़े चेंजेस किए गए हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई है, वो जरूर देख लीजिएगा। नहीं तो जून 2019 के रिटर्न में हो सकता है आपका टैक्स जो है वो ज्यादा बन जाए। अगला जो काम है वो है जीएसटीआर 5 फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्ट्रेशन लेकर के रखे हुए हैं जीएसटी के अंदर, तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है फॉर द मंथ ऑफ जून वो आपको रिपोर्ट करना है जीएसटीआर 5 के अंदर। जून 19 का जो जीएसटीआर 5 रिपोर्टिंग जाना है वो जाना है 20 जुलाई 2019 तक। और अगला जो काम है वो है जीएसटीआर 5A फॉर नॉन रेजिडेंट OIDAR फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। अगर आप नॉन रेजिडेंट OIDAR है, मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एंड एक्सेस रिट्रीवेबल सर्विसेज के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो आपने जून 2019 के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन किया है उस ट्रांजेक्शन को डिक्लेयर करना होता है जीएसटीआर 5A रिटर्न के अंदर। उसकी भी ड्यू डेट 20 जुलाई 2019 है फॉर द मंथ ऑफ जून 2019। मतलब जून 2019 के लिए तीन इंपॉर्टेंट काम है, जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून फॉर रेगुलर टैक्स पेयर्स, 5 एंड 5A फॉर NRTP एंड नॉन रेजिडेंट OIDAR पर्सन। ये हो गया 20 जुलाई 2019 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्क लिस्ट। अगला जो डेट निकल के आता है वो है 31 जुलाई 2019, जो कि जीएसटी की ड्यू डेट्स के लिए लास्ट डेट है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2019। इसमें आपको जीएसटीआर 1 फॉर द पर्सन हैविंग टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ एंड ऑप्टेड फॉर क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है और आपने सिलेक्ट किया हुआ है कि हम लोगों को क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करना है, तो आपके लिए जीएसटीआर 1 अप्रैल से लेके जून 2019 क्वार्टर का जो है वो फाइल करने की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2019। अगर आपको कोई अमेंडमेंट भी करनी है 18-19 से रिलेटेड और आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप इस डेट तक अमेंडमेंट भी फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआर 9, 9A और 9C की जो डेट्स है उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है 31 अगस्त 2019 तक
तो वो आपको 31 जुलाई तक फाइल नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि उसका टाइम आपके पास 31 अगस्त तक है। हालांकि अगर आपका प्रिपेयर हो गया है तो आप जितनी जल्दी हो उसको जरूर फाइल कर दीजिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ड्यू डेट्स हैं जो कि आपको समझना जरूरी है जीएसटी के अंदर जुलाई महीने में जो हम लोगों को काम करना है। और ITC 04 से रिलेटेड जो अपडेट है वो ये है कि अगर आपका ITC 04 अभी तक जुलाई 17 से लेके जून 2019 क्वार्टर तक का जितना भी ITC 04 है वो सब आपको 31 अगस्त तक एक साथ फाइल कर देना है, उसका डेट ड्यू डेट जो है वो 31 जुलाई अभी फिलहाल नहीं रखा गया। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, ये ड्यू डेट्स पहुंच सके और वो अपनी जीएसटी फाइलिंग जो है अकॉर्डिंगली प्लान कर पाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यूनिंग किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।